ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, मकर राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, जिससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। हम चार राशि के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहली राशि वृषभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो ग्रहों के गोचर का मनुष्य के जीवन पर व्यापक असर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख समृद्धि एवं सौंदर्य का कारक माना जाता है। वैसे तो शुक्र सदैव लाभकारी ग्रह माने जाते हैं, मगर कुछ ग्रहों के साथ विपरीत भी इनके प्रभाव जुड़ने से पड़ जाते हैं। शुक्र ग्रह 24 फरवरी को धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर रात्रि में 12:30 पर होगा और 22 मार्च 2019 की सुबह 4:48 पर इसी राशि तक में रहेंगे। 24 फरवरी को गोचर करेंगे एवं 22 मार्च 2019 तक इसी में रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वृषभ राशि में के बारे में हम बताते हैं। तो शुक्र आपकी राशि में नौवें भाव में संचार कर रहा है। वृषभ राशि के जातकों में गोचर से सीधे भाग्य को जोड़कर देखा जा रहा है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति एवं वैवाहिक जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव रहेगा। शुक्र के प्रभाव से विपरीत लिंग के प्रति आपको आकर्षण भी होगा। लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है, एवं अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ तो आपको नए रिश्ते आ सकते हैं एवं वैवाहिक जीवन आपका सुगम हो सकता है। चलते हैं अगली राशिफल की तरफ। तो कन्या की हम बात करते हैं। तो शुक्र आपकी राशि में पांचवें भाव में गोचर करेगा। इस वक्त स्थिति आपकी अनुकूल होने वाली है। इस वक्त आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो कि आपके प्रमोशन के मार्ग को खोल सकते हैं। आपको नई जॉब मिल सकती है। हो सकता है आपके इस वक्त में आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएं, तो खर्चे पर आपको संयम रखने की ज़रूरत है। और तो सब आपके लिए अच्छा है। अगली राशि सिंह राशि की तरफ अगर हम चलें तो शुक्र आपकी राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सिंह राशि के जातकों में सूर्य 14 फरवरी तक यही मौजूद रहेंगे। इस प्रकार के संयोग की वजह से सिंह राशि के जातकों में स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, जिससे आप अपने मौसम के परिवर्तन एवं समस्त स्वास्थ्य की चिंता आप करते रहें। कार्य क्षेत्र में आपको छत शत्रु जो है आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। खर्चे पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। अगली राशि की तरफ अगर चलें तो अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि पर शुक्र आपकी राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे धनु राशि में। तो ऐसा होने से आपको आर्थिक तौर पर काफ़ी लाभ होगा। इस वक्त आप परिवार के मुद्दे बहुत ही शांति एवं सूझबूझ से निपटाने की ज़रूरत है। खास तौर पर भाई बहनों के साथ किसी भी विषय पर बहस ना करें, क्योंकि इससे विवाद भी हो सकता है। खर्च आपके बढ़ेंगे तो खर्चों पर रोक लगाएं और आप संभल कर रहें। लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होगी धनु राशि के जातकों। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं आप दूसरों में शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।